तो हमारा सफर है, ये हमारा सफर 100 किलोमीटर का पैदल का सफर है। फिलहाल मैंने अकेला ये जिम्मा लिया है, मैं अकेले ही यहाँ 100 किलोमीटर दूर चल के आया हूँ और यहाँ से जो है मैं जाऊँगा। मैं जो है रात को निकला था, सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं दृष्टि व्लॉग, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, दिल्ली की जान, दिल्ली की शान, आपका अपना वसीम भाईजान। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ बहुत सारी जगह एक्सप्लोर कराने। फिलहाल हम आ चुके हैं कानपुर में, कानपुर के मतलब 36 किलोमीटर दूर यहाँ पर एक गाँव है सभापुर गाँव नाम से, और यहाँ पर एक सूलपुर नाम से भी गाँव है, नबीगंज नाम से भी गाँव, बहुत सारे गाँव है गाइज। तो हम चलते हैं फटाफट से इस गाँव में और यहाँ पर हम बहुत दिन रुकने वाले हैं, बहुत सारा कुछ एक्सप्लोर कराने वाले हैं। फिलहाल ये ईद का मौका है और हम वेकेशन पे निकले हैं काफ़ी दिनों के लिए, तो आज से लेकर आपको काफ़ी सारे जो है मेरे ब्लॉग हैं वो गांव के ही दिखाई देंगे गाइस। तो मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप देख सकते हैं पूरा इलाका जो है खाली पड़ा हुआ है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, पूरे दूर दूर तक कुछ भी नहीं है गाइस, पूरा इलाका जो है पूरा सब कुछ खाली है, खाली पूरे रोड पे मैं ही अकेला चला आ रहा हूँ और दो चार एक बाइकें आ रही हैं जो भी कुछ आ रही हैं। फिलहाल हम जो है सीधे चलते हैं और रोड क्रॉस करने के बाद हम आपको दिखाएंगे हमें कहाँ जाना है। तो फटाफट से इस ब्लॉग में बने रहिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जल्दी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आप देख रहे हैं दृष्टि ब्लॉग और सुबह के बज गए हैं 5 भी नहीं बजा है, आप देख सकते हैं 5:07 हुआ है। तो हम जा रहे हैं अपने सफ़र से पैदल, चलिए फटाफट शुरू करते हैं, देखते हैं हम कहां से पहुंच सकते हैं। तो भाई सुबह का सफ़र मैं तय कर रहा हूं, मैं जो है यहां से और कन्नौज से सीधे कानपुर सेंटर से पैदल जाऊँगा और अपनी इस पैदल यात्रा में जो है 100 किलोमीटर की दूरी को तय करूँगा। इसलिए मैंने जो है अभी सुबह से सफ़र शुरू कर दिया, आप देख सकते हैं मेरे पीछे सुबह से मैंने सफ़र शुरू कर दिया है। तो गाइस ये हम आ चुके हैं, आप देख सकते हैं ये साइन बोर्ड लगा हुआ है, फिलहाल हम दिल्ली में नहीं हैं, हम आ चुके हैं अपने होम टाउन में जो कि यह कानपुर में। कानपुर यहाँ से भी 30 किलोमीटर दूर है और हमारी ये पैदल यात्रा है, आप देख सकते हैं कि मैं पैदल चल के आया हूँ। ये हमारे बाबा हैं, अस्सलाम वालेकुम बाबा, दौरसला बाबा की दरगाह पर हैं, इनको हम सलाम कर पेश करते हैं जो कि हमारे होम टाउन में है। कानपुर से हम 58 किलोमीटर दूरी पर आए हुए हैं। फिलहाल गाइज ये हमने जो सफ़र तय किया है 7 दिनों का सफ़र है जो कि पैदल तय किया है। अभी आप देख सकते हैं साइन बोर्ड, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है और इधर भी आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, पूरा रोड अभी जो है खाली है। यहाँ से जो है हम जाएंगे पैदल और पैदल यात्रा हम कर रहे हैं। फिलहाल हमने जो पैदल यात्रा है वो 100 किलोमीटर के अंदर अंदर है, जैसे कि हम यहाँ से जो है 3 दिन पहले जो है हम बस से आए थे। हमारा सफ़र है, ये हमारा सफ़र 100 किलोमीटर का पैदल का सफ़र है। फिलहाल मैंने अकेला ये जिम्मा लिया है, मैं अकेले ही यहाँ 100 किलोमीटर दूर चल के आया हूँ और यहाँ से जो है मैं जाऊँगा। मैं जो है रात को निकला था 9 बजे और अभी यहाँ से जा रहा हूँ मैं पैदल, तो देखते हैं कब तक मैं पहुँच पाऊँगा जहाँ मुझे जाना है। फिलहाल दिल्ली जो है 396 किलोमीटर दूर है, आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन बोर्ड पर, ये देखिए गाइस, तो 96 किलोमीटर दिल्ली दूर है। अभी हम जो है दिल्ली से तो निकल चुके हैं और हम 100 किलोमीटर के अंदर अंदर दायरे में आ चुके हैं, तो फिलहाल अब हम पहुँचते हैं आगे और देखते हैं कि हम कैसे पहुंचते हैं अपने मंजिल तक। तो गाइज मैं जो है 100 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए जो मैंने इरादा किया था गाइज उसे मैं अपना स्थगित करता हूं, क्योंकि मुझे जो है शादी में आज ही पहुंचना है, आज लास्ट दिन है शादी में पहुंचने का, क्योंकि आज जो है बारात आने वाली है। और फिलहाल मैंने जो है एक भैया से हेल्प लेकर जो है रिक्शा लिया था, फिलहाल मैं फिर भी 53 किलोमीटर जो है चल पाया हूँ 1:30 बजे यानी कि 8.5 घंटे में। और यहाँ से फिर मैंने फटाफट से रिक्शा किया, रिक्शा करके हम पहुंचे अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि गाइस हमें अपनी मंजिल में यानी हमें बैंकेट हॉल पहुंचना था और मैं इतना थक गया था गाइस कि सीधे मैं तुरंत मैरिज हॉल पहुंचाऊं। और इस वीडियो में जो है मैंने आपके साथ कोई प्रैंक नहीं किया है, फिलहाल मैं जो है जितना मेरे अंदर कैपेसिटी थी मैं उतना चल पाया। और ये बस एक छोटा सा हमारा एक प्रैक्टिकल डेमो था जिसमें हम 53 किलोमीटर का ही सफर तय कर पाए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको और कहते हैं एक्सप्लोर कराने को लायक है। तो गाइज आप जैसे कि देख रहे हैं कि पीछे का जो बैकग्राउंड है, इसका जो बैकग्राउंड है बहुत अच्छा है गाइज, ब्यूटीफुल है, एकदम जबरदस्त। शायद आपको धूप की वजह से भी ग्रीनरी जो है नज़र नहीं आ रही है। फिलहाल आप अभी दूसरे शॉट में आप देखेंगे कि ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है, क्योंकि अंदर जो है गाइज डीजे वगैरह का काम चल रहा है, डीजे बज रहे हैं, इस चक्कर में जो है कॉपीराइट भेजने का यूट्यूब के डर रहता है, तो इसलिए जो है मैं थोड़ा बाहर आता हूँ।
और आपको बाहर का गार्डन दिखाता हूँ। तो फिलहाल ये जो है ना बहुत ही सुंदर जो है मैरिज हॉल है, और हम जो है आए हुए हैं कानपुर में इस शादी को अटेंड करने। हमारी एक भांजी है, उसकी शादी है, तो इसमें आए हुए हैं। तो गाइस अब ये देख सकते हैं आप कितना ब्यूटीफुल गार्डन आ रहा है, और इसका व्यू कितना शानदार आ रहा है। ये जो है बहुत बढ़िया जो है गार्डन है, और इस गार्डन प्लेस में जो है आज एक शादी रखी गई है, जिस शादी को हम अटेंड करने आए हैं। आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा है गाइस, और यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। अगर यहाँ पर जो है बारात करने लोग आए तो कम से कम 1000 लोग आराम से शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इसकी जो स्पेस है वो बहुत बढ़िया है। और इसका डेकोरेशन जो है वो दिन की शादी होने के कारण ज़्यादा नहीं किया गया है, या शायद शादी मतलब यहाँ पर ज़रूरत ना पड़ती हो, क्योंकि गाँव है। और आप देख सकते हैं ये कितनी बेहतरीन पिक्चर आ रही है यहाँ की। आप इस व्यू को देखिए गाइस, आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, और बिल्कुल बाहर की फीलिंग आएगी जैसे कि आप बाहर देख रहे हो। पीछे आसमान और ग्रीनरी का जो व्यू है वो बहुत सुंदर आ रहा है। तो गाइस अब हम चलते हैं थोड़ा आगे और अंदर आपको दिखाते हैं कि अंदर। तो गाइस मैं आपको जो है आगे लेके चलता हूँ, और आपको एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज दिखाने चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। चलिए फटाफट से मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जो आपको देखकर सुनकर मजा आएगा। चलिए फटाफट से आइए। यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है कि अपने माल की स्वयं रक्षा करें, यह शास्त्री कोई मंजारी नहीं होगी। तो गाइस जितने भी लोग अपने माल के साथ आ रहे हो अपनी रक्षा जरूर करें। तो गाइस ये गार्डन जो है बहुत ही बड़ा गार्डन है, और काफी ज्यादा मात्रा में बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। तो गाइस आप लोग इस गार्डन को देख सकते हैं, ये जो है बहुत ही बड़ा गार्डन है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, और इसकी ब्यूटीफुली जो लोकेशन है वो बहुत औसम है। आप देख सकते हैं खजूर के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर, और जिस तरह आपने धमाल फिल्म में डब्लू देखा था, आप इसी डब्लू के पीछे एक छुपा हुआ खजाना ढूंढ सकते हैं। हमारे कुछ तो गाइस आप लोगों ने देखा, ये जो है मैरिज हॉल काफ़ी बड़ा है, और उसमें काफ़ी अच्छी स्पेस है। फिलहाल यहाँ पर जो है हमारी दावत है शाम के टाइम की, तो हम अभी चलते हैं अपने घर वापस। हम लोग आएंगे शाम के टाइम, और अभी बहुत तेज़ धूप हो रही है। पीछे देख रहे हैं सूर्य मामा को कितनी तेज़ धूप हो रही है, धूप होने की वजह से भी जो है बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, और इस वजह से जो है हमें अभी जाना होगा, क्योंकि अभी तो काफ़ी जो है मेहमान नहीं आए, काफ़ी गेस्ट नहीं आए, और यहाँ पर जो बारात अभी आई नहीं है, और जब तक बारात नहीं आ रही तब तक हमें यहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलते हैं गाइस, हम लोग अब यहाँ से निकलते हैं, थोड़ी पेड़ पूजा कर लेते हैं, क्योंकि टाइम जो है 12:35 हो रहा है, और फिर पेड़ पूजा करने के बाद हम चलते हैं घर, और ब्लॉग को कंटिन्यू आगे करेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आगे। तो देखिए गाइस ये है इसका एंट्री गेट, तो गाइस जैसे कि अब इस ब्लॉग का हम एंड करते हैं, और आप सोच रहे हो कि हमने खाने वगैरह नहीं दिखाया, तो गाइस इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मैं खाना नहीं दिखा सकता, क्योंकि कुछ प्राइवेसी और किसी वजह के कारण मैं खाने वगैरह का नहीं दिखा सका, उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बता सकते हैं, और अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, फटाफट से हम यहाँ से निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अब जो है हम यहाँ से निकलने वाले हैं, फिलहाल जिस बारात में हम शामिल हुए थे वो बारात का वक्त काफी ज्यादा क्लोज हो चुका है, और अब हम यहाँ। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अब हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है, और टाइम जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है। फिलहाल यहाँ से जो है मैं भी इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमें कमेंट कर बताइए कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और शादी जो है गाँव की इस टाइप में होती है, ये हमने आपको पूरा बताया है। चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड, और जय हिंद।